गुड मॉर्निंग गाइस, सो टुडे इज द डे सेकंड इन बैंकॉक एंड अभी बजे हैं सुबह के 10 एंड अभी हम जस्ट उठे हैं यहाँ पे एंड वी आर गोइंग टू 7-Eleven टू गेट मिल्क एंड टी पाउचेस फॉर अस एंड हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट हम अपने रूम में करके कुछ मैगी वगैरह या पोहा छोटा मोटा खा के यहीं से निकलेंगे अब आगे के लिए। अभी आगे की आइटनरी राहत चिंकी अबू मिलके डिसाइड करेंगे, देन वील अपडेट यू एज वेल। एंड रात को यहाँ का मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा था, काफ़ी बारिश हुई है यहाँ पे रात को। एंड अभी यहाँ पे हमारे होटल के नियरेस्ट 7-Eleven है, इट्स लाइक 200 meters फ्रॉम आवर होटल। वहाँ पे जाके थोड़ी बेसिक चीज़ें हम लेंगे। सो मिलता हूँ मैं सीधे आपको 7-Eleven में। सो ये अभी हमें सुबह सुबह छोटे छोटे किटन्स मिले। हेलो हेलो हेलो, अब मुझे देख के भागे डर के। हेलो, तो दिस इज 7-Eleven जहाँ पे आप अपनी सारी बेसिक्स नेसेसिटी की चीज़ें यहाँ पे ले सकते हो। एंड सबसे ख़तरनाक चीज़ है ये देखो, बनानास विच इज़ ऑफ 9 baht। सो अभी हम रेडी हो चुके हैं फाइनली नहा धो के एंड अभी हम जाने लगे ग्रैंड पैलेस जो कि यहाँ के राजा का महल है एंड काफ़ी फेमस है यहाँ पे बैंकॉक में। एंड अभी सीधे वहाँ जाएंगे, हमने कैब बुक करवाई है। सबसे अमेजिंग बात लगी मुझे यहाँ पे, कैब स्विफ्ट मिल गई जो कि हमारी इंडिया की सबसे फेमस कार है। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे स्विफ्ट में एंड विल गो टू ग्रैंड पैलेस एंड मैं आपको वहाँ भी दिखाऊंगा जितना भी दिखा पाऊंगा। आई होप कि अंदर फ़ोन अलाउड हो, सो जितना भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। सो आई सी यू इन ग्रैंड पैलेस नाउ। आप हमारे रूम की हालत देख सकते हो, वी हैव क्रिएटेड अ मेस। एंड जाते जाते अभी हम निकलने ही वाले थे कि रात को पॉटी आ गई एकदम से एंड चिंकी फुल रेडी हो चुकी है। आप देख कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, रात अंदर से चिल्ला रहा है क्योंकि मैंने बोल दिया ब्लॉग में कि वो पॉटी कर रहा है, जो कि रियलिटी है कर रहा है। सो अभी हमारी कैब आ चुकी है एंड दिस इज़ अर कैब। अभी हम सीधे जा रहे हैं ग्रैंड पैलेस जो कि यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 kilometers है। एंड वी ऑल सेट, सो मिलते हैं आपसे सीधे ग्रैंड पैलेस में ना। दिस इज ब्यूटीफुल बैंकॉक रोड्स एंड अमेजिंग कार्स। ब्लैक ब्यूटी, बस तो अपनी खरड वाली है यहाँ पे भी। अभी हम पहुँच चुके हैं फाइनली अपने किंग्स पैलेस के पास एंड दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। एंड यहाँ पे काफ़ी स्कैम भी होता जो कि मैंने सुना था एंड पढ़ा भी था इंटरनेट पे कि यहाँ पे आपको मिस गाइड करेंगे कि अभी पैलेस आपका बंद है, 2 बजे खुलेगा एंड आपको कहीं और ले जाएंगे वहाँ से एंड आपसे पैसे मांगेंगे फिर। सो मेक श्योर आप यहाँ पर कोई गाइड वगैरह ना हायर करें एंड जितना हो सके आप नेट पे वीडियोस अवेलेबल है, सब कुछ है, आप देख के आराम से आ सकते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस, जस्ट मेक श्योर यू आर यू नो क्या बोलूँगा, आप मतलब आप इन चीज़ों से दूर बच के रहें इन स्कैम से जो यहाँ पे होते हैं। सो हियर वी गो एंजॉयिंग द पैलेस। सो हियर वी गो, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस फॉर किंग्स पैलेस, सॉरी, एंड दैट्स द सिक्योरिटी and this is how the entry is. So this is the view of king's palace jo ki aap dekh sakte ho. I don't know ki andar cameras allowed honge ki nahi, so maine socha pehle aapko bahar se view dikha deta hu king's palace ka. It's so beautiful. So this is the ticket counter jahan pe aake sabse pehle aapko grand palace ke liye tickets leni padengi and per person it's gonna cost you 500 baht jo ki indian currency mein like 1200-1300 rupaye hota hai. सो अभी हम टिकट्स लेने लगे हैं, टिकट्स लेके हम ग्रैंड पैलेस अंदर एंटर करेंगे एंड आई ट्राई टू शो यू एज वेल। सो अभी हमने टिकट्स ले ली अपनी विच इज़ लाइक 500 baht पर पर्सन एंड नाउ वी गोइंग टू एंटर द किंग्स पैलेस। हियर वी गो, आप मेरे सामने देख सकते हो अभी हम एंटर कर चुके हैं फाइनली द किंग्स पैलेस एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। यहाँ पे किंग पैलेस की पूरी पेंटिंग्स बनी है एंड अभी हम आगे जा रहे हैं, आगे दिखाऊंगा आपको। काफ़ी गर्मी हो रखी है यहाँ पे, हमें लगा था कि अभी थोड़ा आज बारिश वाला मौसम होगा बिकॉज सुबह इट वाज ऑल क्लाउडी बट अभी एकदम से काफ़ी धूप निकल चुकी है। दिस इज़ ब्यूटीफुल आउटडोर ऑफ किंग्स पैलेस, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है ये किंग्स पैलेस। एंड आज भी यहाँ पे किंग रूल ही चलता है एंड रियली फील इट यू नो वेरी ब्यूटीफुल टू बी हेयर। सो अभी हम किंग्स पैलेस के अंदर ही हैं, काफ़ी बड़ा पैलेस है एंड फुल इन्जॉय चला हुआ, लोग इधर
दूर दूर से आते हैं, स्पेशल फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोफेशनल कैमरामैन भी हैं यहाँ पे। एंड यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। यहाँ पे अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, बट आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हैं सब। अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ का फेमस जो टेम्पल है, दिस इज़ द किंग एंड क्वीन, एंड हियर वी आर गोइंग इनसाइड द टेम्पल। काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल है, आप देख सकते हो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। दिस वॉज द ब्यूटीफुल टेम्पल। सो दैट वॉज ऑल फॉर किंग्स विला, एंड अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज गोना बी रिक्लाइनर बुद्धा, एंड अगर वहाँ पे भी पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा बुद्धा जी। बट आई डोंट थिंक वहाँ पे अलाउड होगा, बट जितना भी होगा आई ट्राई माई बेस्ट। जैसे यहाँ पे भी अलाउड नहीं था अंदर टेम्पल में, बट आई ट्राइड माई बेस्ट शोइंग यू द टेम्पल इनसाइड। सो यहाँ से बाहर निकलते हैं, मिलता हूँ आपसे सीधे रिक्लाइनर बुद्धा पे। सो अभी हम कैब में बैठ चुके हैं, एंड अभी हमें रिक्लाइनर बुद्धा जाना था, बट हमें पता लगा कि रिक्लाइनर बुद्धा जो है वो 4 बजे तक बंद रहता है। सो अभी हमने प्लान किया कि विल गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल वैक्स म्यूज़ियम, जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वैक्स म्यूज़ियम है यहाँ पे। सो अभी हम वैक्स म्यूज़ियम जा रहे हैं, वी हैव बुक्ड अ कैब, एंड यहाँ से वैक्स म्यूज़ियम जाएंगे, एंड वहाँ से आफ्टर विजिटिंग वैक्स म्यूज़ियम देन विल गो टू रिक्लाइनर बुद्धा। सो मिलते हैं आपसे सीधे वैक्स म्यूज़ियम। तो अभी हम आ चुके हैं वैक्स स्टैचूज देखने, एंड सबसे पहले हमें ये एक स्टैचू दिखा, एंड आप बता नहीं पाएंगे कि ये असली है या वैक्स स्टैचू है। यू सी हाउ रियल इट इज़। एंड यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी काफ़ी कुछ है, इट्स अ ब्यूटीफुल मॉल। ये मॉल के अंदर वैक्स म्यूज़ियम है। अभी हम यहाँ से थोड़ी शॉपिंग भी करेंगे, एंड आई थिंक इट्स गोना बी रियली एक्सपेंसिव, बट लेट्स सी। आप हमें मिल गए यहाँ पे विन डीजल भाई, क्या सेक्सी लग रहे हैं वैक्स स्टैचू में। दीज आर द अमेजिंग मॉल। यहाँ पे एक मॉल के साथ 3-4 मॉल कनेक्टेड हैं, सो आपको जस्ट ये रूट फॉलो करना है एंड यू कैन गो टू अनदर। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल मॉल जो कि आप मेरे सामने देख रहे हो, एंड काफ़ी एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं यहाँ पे, काफ़ी एक्सपेंसिव मॉल है। स्टार्टिंग रेंज इनकी स्टार्ट होती है 40,000 बात से इफ यू आर बाइंग अ क्लोथ, सो जो हमने नहीं बाय की ऑब्वियसली, बट घूमने के लिए इट्स अ परफेक्ट प्लेस। अभी हमें थोड़ी भूख लग रही थी, एंड अभी हम देन बर्गर किंग में आ गए। यहाँ पे अभी हमने अपने लिए बर्गर्स एंड मील्स ऑर्डर किए हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें वेज एंड वेगन मील्स मिल रही थी, क्योंकि वेजिटेरियन है एंड अबू भी वेजिटेरियन है। अभी भाई लोगों बर्गर किंग भी खा लिया, मैकडी भी खा लिया, सब कुछ खा लिया, बट आई एम रियली मिसिंग माई इंडिया। कितना बेकार खाना, टोटली यू नो स्पाइसलेस, ऐसा लग रहा है कोई बॉयल चिकन खा रहे होते हैं। सो अभी बर्गर किंग से खा के हम निकल पड़े हैं ज़ारा की ओर, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है कि ज़ारा में काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। सो लेट्स सी, ज़ारा जाएंगे, वहाँ से अगर अच्छा लगा तो शॉपिंग करेंगे। ये पीछे मेरी मैडम रेडी है ज़ारा जाने के लिए। थिंक यू रेडी फॉर ज़ारा। सो अभी हम पहुँच चुके हैं ज़ारा, एंड पूरे एक फ्लोर का ज़ारा यहाँ पे। मेन सेक्शन अलग है, अलग फ्लोर पे मतलब साइड पे है, किड सेक्शन टोटली अलग है। सबसे पहले हम जा रहे हैं यहाँ पे गर्ल सेक्शन में, क्योंकि चिंकी को कुछ अपने लिए देखना था। लेट्स सी, ना स्कैम से भी बचना चाहिए आपको। अभी मेरे पास यहाँ पे एक आदमी आ गया था, इस साइड मैं दुबई से हूँ, सो मुझे यहाँ के बात दिखाओ कैसे दिखते हैं, मेरे पास दुबई के पैसे US डॉलर हैं। फर्स्ट ही शोड मी इज़ US डॉलर, देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि अपने बात दिखाओ। मैंने उसको एक दिखाया, ही स्टार्टेड पुटिंग हैंड इन माई पर्स। सो मैंने वहाँ से छीना और मैं यहाँ से आ गया। आई डोंट नो, पता नहीं आगे उसने नज़र रखी हुई है मेरे वॉलेट पे, पता नहीं क्या होगा आगे। सो बस आप जब आएंगे आप स्पेशली इस बात का ध्यान रखें। मॉल से निकल चुके थे, एंड अभी हम जा रहे हैं प्लेटिनम स्क्वायर, जहाँ पे हम थोड़ा फ़न करेंगे। अब वो राहत चले गए हैं स्काई वॉक के लिए, एंड हम थोड़ा शॉपिंग करने जा रहे हैं प्लेटिनम स्क्वायर। सो मिलते हैं आप सीधे प्लेटिनम स्क्वायर में। प्लेटिनम स्क्वायर मॉल, यहाँ पे आप अगर शॉपिंग करना चाहते हो तो आप आ सकते हो। यू कैन सी सब कुछ कितना अफोर्डेबल एंड चीप प्राइस पे मिलता है यहाँ पे। लड़कियों का 300 बाथ एंड 200 बाथ फुल ड्रेसेस एंड एवरीथिंग, एंड लड़कों के लिए भी सेम प्राइस है। सो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप प्लैटिनम मॉल आ सकते हो। यहाँ पे शॉपिंग करने को लड़कियों के लिए इतनी आइटम्स हैं, एंड लड़कों के लिए भी। हमें 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक हमने एक फ्लोर भी कवर नहीं किया है, एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 फ्लोर हैं शॉपिंग के लिए। एंड ऐसा नहीं कि सामान बेकार है, सामान भी बहुत बढ़िया है। इंडिया में यही सामान यहाँ से आके डबल रेट में बिकता है। फिर दिस इज़ द फेमस स्ट्रीट फूड ऑफ बैंकॉक, स्कॉर्पियन, प्रॉन्स, फिश, एवरीथिंग।
दिस इज स्ट्रीट फूड मार्केट। शॉपिंग कर ली एंड अभी हम यहाँ की स्ट्रीट फूड मार्केट देख रहे थे। स्ट्रीट फूड मार्केट देख के अब हम थोड़ा रेस्ट करने वापस रूम में जा रहे हैं, फिर वहाँ से रात को पार्टी जाएंगे। एंड आई विल शो यू एज वेल, यहाँ तो भी बज चुके हैं 6 एंड आई बिलीव इंडिया में अभी 5 बजे होंगे। सो मिलता हूँ अब सीधे आपसे रूम में। बाय बाय। रूम वापस पहुँच गए थे एंड अभी हम इंजॉय करने लगे हैं चैंग बियर। उसके बाद बस थोड़ी देर तैयार होके फिर हम जाएंगे सीधे पहाड़ी पे। एंड आई शो यू एज वेल, आज का दिन भी काफ़ी हेक्टिक था बट हमने प्लान किया कि कल हम सुबह जल्दी उठने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली 7-8 बजे। सो मिलता हूँ सीधे आपसे पहाड़ी पे। अब तक गाइस अभी हम रेडी होके निकल चुके हैं पार्टी के लिए। हमारी कैब फाइनली आ चुकी है। सो आज हम नेक्स्ट लेवल पार्टी करने वाले हैं। सभी रेडी होके जा चुके हैं एंड देखते हैं कौन सी कैब आई है हमारे लिए यहाँ पे, क्योंकि सब अलग अलग कार्स ही अवेलेबल हैं। कोई ब्लैक कलर की गाड़ी आई है, जरा देखूं मैं। फॉर्च्यूनर आई है। व्हाट इज दिस लेडी बॉय? दिस इज लेडी बॉय डज दिस। सो अभी हम पहुंच चुके हैं खाउसन रोड, जो कि बैंकॉक की वॉकिंग स्ट्रीट कहा जाता है जिसको, एंड इट्स लाइक पटाया। एंड यहाँ पे हम आज हम पार्टी करने वाले हैं एंड आई विल शो यू एज वेल यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट। सो दिस इज खाउसन रोड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.5 किलोमीटर की रोड है। एंड यहाँ पे सारे ब्यूटीफुल सेक्सी क्लब्स हैं एंड देखते हैं आगे हमें क्या दिखता है एंड आपको भी दिखाऊंगा मैं। अभी हम खाउसन रोड की जो वॉकिंग स्ट्रीट है उसमें एंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रीट मार्केट एंड सबसे अमेजिंग चीज़, ओह माय गॉड, एलिगेटर। सो दिस एलिगेटर, सो दिस इज हाउ इट इज़। यहाँ पे लोग बूम बूम करने आते हैं। जो मेरे सामने कपल चल रहा है वो एक इंडियन बॉय है जिसने गर्लफ्रेंड हायर की हुई है फॉर 5 डेज। एंड यहाँ पे हेलोइन पार्टी स्टार्ट होने वाली है, कल हेलोइन है एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलोइन के लिए रेडी हुए हैं लोग। ये देखिए हमने थोड़ा यहाँ पे बियर वगैरह पी है कौशान रोड पे एंड अभी आई बिलीव यहाँ पे पार्टी शुरू होएगी कोई 11:30 बजे। सो हम उसका वेट कर रहे हैं एंड आई विल अपडेट यू एज वेल। सो अभी हम आ गए यहाँ पे अपनी फुट मसाज करवाने एंड भैया हमारे फुट मसाज कर रहे हैं जो कि यहाँ की फेमस है। सो अभी मसाज शुरू हो चुकी है, थिंक यहाँ पे अपनी फुट मसाज करवा रही है। तो हमें अभी भूख लग रही थी तो हम यहाँ पे खाने आए अभी बनाना न्यूट्रेला, जो यहाँ का फेमस है। आप देख सकते हैं भैया बना रहे हैं अभी एंड वी गोना हैव इट। हमने यहाँ पे घूम लिया एंड अब हम यहाँ से जाने लगे हैं वापस। अब हम यहाँ सो गाइस, अब हम फाइनली अपने रूम में वापस आ चुके हैं एंड काफ़ी थक गए हम बिकॉज आज का दिन भी काफ़ी हेक्टिक रहा जैसे कि मैंने आपको दिखाया। सो अब हम सोएंगे एंड I'm closing my day 2nd vlog. अगर आपको मेरा vlog अच्छा लगा हो so don't forget to subscribe my channel, like my video and do comment कि आपको मेरी वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा। So I'll meet you tomorrow with my next day vlog. Signing off, night vlogger. Bye bye.